नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत जो 9th बैच के लिए आवेदन हो रहा है, जिसका लास्ट डेट अब आ चुकी है। उससे पहले मैं आवेदन करके दिखाऊंगा। वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो जाता है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन मिलेगा, जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, रेल कौशल विकास योजना। बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो भी इसमें जिसका भी गलती हो जाता है, उसके लिए हर एक महीने पे ये योजना चलाई जाती है भारत सरकार द्वारा, रेल कौशल विकास योजना। इसमें फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, कोई एग्जामिनेशन फी नहीं लगती है, नहीं एग्जामिनेशन होती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे 3 डॉट जो आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक 3 डॉट दिखाई देगा इस वेबसाइट पे आने के बाद, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, सिंपल से क्लिक करना है। उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन साइन इन करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नए यूजर है, अगर आपने पुराने यूजर है तो इस पर आप अपना एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, लॉगिन पे सिंपली क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप नए यूजर है तो यहाँ नीचे आएंगे, नीचे में आपको आएगा एक डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करेंगे। साइनअप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा, नेम भरना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, ईमेल जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, और एक आपको स्पेशल टाइप का पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना दिया है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लेंगे। इस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, एज लाइक ABCA बड़ा में होना चाहिए, जो भी आपका लेटर फर्स्ट होगा वो बड़ा में होना चाहिए। इस प्रकार के स्मॉल और स्पेशल करेक्टर के साथ आपको न्यूमेरिकल देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जिसको आप वेरीफाई कर लेंगे ईमेल पर जाके। वहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप पुराने यूजर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड रखकर लॉग इन करेंगे। तो चलिए ईमेल और पासवर्ड रखकर लॉग इन करके आपको अप्लाई करके 9th बैच के लिए दिखाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस जैसा कि पहले भी दिखता था ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपने नेम रजिस्ट्रेशन के समय जो आधार कार्ड पे जो नेम होगा वो आ जाएगा। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई न्यू का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा अप्लाई हेयर, यहाँ पे अप्लाई हेयर दिया रहेगा, उस पे जाके आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका अप्लाई नोटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि अभी 11/5 से चल रहा है 9th बैच के लिए। स्टेट आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, जिसमें आपको ट्रेनिंग करना है। अगर आप पुराने हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जो भी आप पहले दिए होंगे अदर करके देंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा आप कर देंगे यहाँ पे सर्च। सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपको आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन दिया रहेगा, उसको अप्लाई लिखा रहेगा, उस पे जाके सिंपल से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे और ये प्रिफ्रेंस आपको चेंज करने के लिए नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा, थोड़ा वक्त लेगा। नाइन्थ बैच के लिए तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है? अगर आप नए यूजर होंगे,
अगर आप नए यूजर होंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कर देंगे। यहाँ ऊपर में आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, अपडेट कर देंगे। उसमें सारा डिटेल, एजुकेशन डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल देंगे, जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया था। आप वहां से देख लेंगे, आई बटन पे दे देंगे या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।